वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल में सेव टमाटर की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस सब्जी को हम रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सेव टमाटर की सब्जी। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिसमें से 2 को तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और 1 टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। 2-3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है राई। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जीरा। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर। 1 पिंच मैंने यहाँ पर ली है हींग। नमक लिया है मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार। बारीक हरा कटा धनिया लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सूखा हरा धनिया पाउडर। 1 कप मैंने यहाँ पर सेव ली है। सेव कैसे बनाते हैं इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, इस पे मैं तेल ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। आप देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। जीरा चटकने रख गया है, इसी में मैं राई भी ऐड कर दूंगी और जो हमने हींग ली थी वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से एक बार हिला लेते हैं। इसी में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और जो हरी मिर्च ली थी वो भी हम इसी में ही ऐड करेंगे और एक बार इसको अच्छे से हिला लेंगे। हमने बारीक जो टमाटर कट किया था वो भी हम इसी में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे। इस तरह हम इसको एक बार चला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जब भी आप टमाटर लें तो बड़े बड़े लाल कलर के ही टमाटर लें, क्योंकि उससे जो है सब्जी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह हमें इसको चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। मैं इसको वापस ढक कर रख देती हूँ ताकि और अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको हम खोलकर एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्यूरी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर जो हमने लिया है वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। सूखा धनिया पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। नमक जो हमने लिया है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। नमक अपने इच्छा अनुसार कम ज्यादा आप कर सकते हैं और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी ऐड करती हूँ। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और इसको और पकने देंगे। बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है। अब हम इसको एक बार फिर से ढक कर रख देंगे और हम इसको अच्छे से पकने देते हैं। एक बार फिर से हम चेक करते हैं। ढक्कन को हमने हटा लिया है। आप देख सकते हैं सारा तेल जो है ऊपर आ गया है। अब इसमें मैंने सेव को ऐड कर दिया है और इसको 1 मिनट तक हमें और पकाना है। गैस की फ्लेम को फिर हमें बंद कर देना है। ये देखिए थोड़ा जो हरा धनिया लिया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तेल ऊपर तक आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सेव टमाटर की सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसको बनाने में हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपी यदि पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।